हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जिम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कास्को शिपिंग में ऑनलाइन बुकिंग किस प्रकार से सबमिट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको बुकिंग कंफर्मेशन एक बार में बिना किसी क्वेरी के मिल जाए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। कास्को में बुकिंग करने के लिए आप कास्को की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ई बिजनेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको अपने आप को लॉगिन करना होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए एज ए कंपनी, और अभी हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो हम सीधे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम या ईमेल आईडी डाल देंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है, देन कैप्सा फिल कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद हमें डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाई देगा कि हमने कितने शिपमेंट बुक किए हैं, कितने कंटेनर की बुकिंग हमारी अभी चल रही है, एक्टिव शिपमेंट जो भी है हमारे अभी, किस बुकिंग का हमको कंटेनर पिकअप करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। अब बुकिंग के लिए हमें लेफ्ट साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन है। बुकिंग के अंदर बुकिंग एंड बुकिंग अमेंडमेंट है, तो हम सिंपली बुकिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा बुकिंग जो है 3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आप बुकिंग मेथड चूज करेंगे, यानी टेम्पलेट अगर आपने कोई सेव करके रखा है उसको यूज कर सकते हैं। प्रीवियस बुकिंग से आपको कॉपी करना है तो इस वाले ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। ड्राफ्ट में आपने सेव करके रखा है यहाँ पे आपको अभी 0 है 1 दिखाई देगा, और नई बुकिंग फ्रेश बुकिंग यहाँ पे क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू में क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ओरिजिन सिटी डालेंगे यानी लोडिंग पोर्ट, तो यहाँ पे जो भी आपका लोडिंग पोर्ट होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद टाइप करना है, तो जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको सजेस्ट करेगा तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन सिटी जैसे ही हमने डाला तो ये देखिए हमारा पीओडी यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे दोनों POL POD हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि आपको किस प्रकार की सर्विस चाहिए, पोर्ट टू पोर्ट चाहिए या डोर टू डोर चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, CFS, डोर, हुक, रैंप। तो यूजुअली हम CBI सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम पोर्ट टू पोर्ट करते हैं। आजकल हम डोर टू डोर भी करने लगे हैं, तो अगर हमें डोर से डोर की बुकिंग लेना है यानी ट्रकिंग सब कुछ शिपिंग लाइन से आप करवाना चाहते हैं तो आप डोर वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब कार्गो नेचर में देखिए ऑप्शन है बोथ RAF एंड GC। RAF यानी रेफर, GC यानी जनरल कार्गो, तो हमारा अभी ये जनरल कार्गो है। आपका जो भी कार्गो है अगर आप रेफर बुक कर रहे हैं तो रेफर सेलेक्ट कर लीजिए, या बोथ आप करना चाहते हैं तो बोथ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलिंग शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको वेसल पहले से पता है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं पता है आपको सर्च करना है तो सेलिंग शेड्यूल में जाएंगे। सेलिंग फ्रॉम सेलिंग टू का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, दोनों में से एक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है आज का, तो इसके बाद का शेड्यूल आपको दिखाई देगा। अब इधर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कितने वीक का शेड्यूल चाहिए। बाय डिफॉल्ट 2 वीक सेलेक्ट है, अगर आपको 2 से ज्यादा का चाहिए 3, 4, 5, 6, 7 तो वो आप सेलेक्ट करके फाइंड शेड्यूल में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम शेड्यूल फाइंड करते हैं हमें 2 वीक का यहाँ पे सारे शेड्यूल दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CBI कट ऑफ, उसके बाद ETD वेसल का दिखाई दे रहा है, ट्रांजिट टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर आपको वेसल और वॉयज दिखाई दे रहा है और इनके सर्विस का नाम है MEX। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट है, तो अगर आप ट्रांसशिपमेंट में क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो देखिए खलीफा पोर्ट जो कि हमारा अबू धाबी है, तो सिंगापुर से पहले अबू धाबी जाएगा, उसके बाद इस वेसल से कुवैत जाएगा जिसका ETA कुवैत का हमारा 11 अक्टूबर है। तो इस प्रकार से आप शेड्यूल चेक कर लेंगे। अब जिस भी शेड्यूल में आपको बुकिंग लेना है तो इधर आप लेफ्ट साइड में
जाएंगे तो यहाँ बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा शेड्यूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम स्टेप टू में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने शेड्यूल सेलेक्ट कर लिया है, प्योर पीओडी डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको शिपर डालना है। शिपर आपको अगर एग्जैक्ट पता है एट टाइम ऑफ बुकिंग तो आप यहाँ पे करेक्ट शिपर फिल करिए, अगर नहीं पता है तो आप बुकिंग पार्टी को भी यहाँ पे डाल सकते हैं बुकिंग के टाइम। बाद में असाइज सबमिशन के दौरान आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एट फॉरवर्डर, एट कंसाइनी, एट नोटिफाई पार्टी। अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है तो आप डाल दीजिए, एसआई में आपको सारी चीजें फिल नहीं करना पड़ेगा। या आप सिपर कॉपी फ्रॉम प्रोफाइल भी कर सकते हैं कि हम कॉपी फ्रॉम प्रोफाइल करेंगे तो हमारी कंपनी यहाँ पे आ जाती है। तो इस प्रकार से आप पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैंडेटरी है, इसको हमें फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो कार्गो नेचर, कार्गो डिस्क्रिप्शन। तो कार्गो नेचर हमारा जर्नल है, और अगर आपका कार्गो जर्नल नहीं है, रिफर्ड डेंजरस है, एक्वर्ड है, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना होता है कि शिपिंग लाइन उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। जर्नल कार्गो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर आप कार्गो का नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे इस प्रकार से। HS कोड अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो इसको अभी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंटेनर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वांटिटी फिल करनी होगी, तो सिंपली हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी कंटेनर की क्वांटिटी आप बुक करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कंटेनर का साइज एंड टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको जिस भी टाइप का कंटेनर चाहिए, हमने 20 टाइप किया तो 20 में जितने तरह के कंटेनर इनके पास है, 20 अभी हमारा जनरल कार्गो है तो हम जनरल पर्पज सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कार्गो का वेट डालना है पर कंटेनर। तो आपके पास जो भी कार्गो का वेट है वो आप केजी में डाल दीजिए, या आपको टन में, पाउंड में डालना है तो इधर से आप यूनिट चेंज कर लीजिए। उसके बाद अगर आप एसओसी की बुकिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अगर आप कैरियर का कंटेनर यूज कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। सेम अगर आपको दूसरा कंटेनर यहाँ पे डालना है, इस नीचे वाले ऑप्शन में आप डाल सकते हैं। अगर और ज्यादा कंटेनर है तो आप यहाँ से एड कर सकते हैं। तो हमने कंटेनर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे, हॉलेज एम्प्टी कंटेनर पिकअप रिक्वेस्ट, ये वाला ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप डोर टू डोर पिकअप यहाँ पे बुकिंग ले रहे हैं तो ये आपको डिटेल देना होगा कि कब आप चाहते हैं कि कंटेनर आपके यहाँ आपके वेयर हाउस पे डिलीवर हो। उसके बाद कास्को पे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको रेट रेफरेंस नंबर या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नंबर है वो आप डाल देंगे इस प्रकार से। 8 डिजिट में यूजुअली ये नंबर होता है। उसके बाद इधर ओशियन फ्रेट वाले ऑप्शन में आपको प्रीपेड या कलेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका जो फ्रेट है वो प्रीपेड होगा या कलेक्ट होगा। अब यहाँ पे अगर आपका जो पेमेंट है फ्रेट का प्रीपेड है लेकिन थर्ड कंट्री में पे हो रहा है तो उस केस में आप यहाँ पे उस जगह का नाम डाल देंगे। जैसे मैं सिंगापुर से बुकिंग ले रहा हूँ पर अगर मुझे पेमेंट मलेशिया में करना है, यानी वो थर्ड कंट्री हो जाएगी, तो यहाँ पे हम उसका डिटेल डाल देंगे कि हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। और अगर एक से ज्यादा यहाँ पे आपके पास रेफरेंस नंबर है, एग्रीमेंट नंबर है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन में अगर आपका शिपमेंट डीजी है, रेफर है या स्पेशल कंटेनर का है तो उसके लिए आपको डिटेल देनी होती है, तभी आपको बुकिंग मिलेगी। तो अगर आपका डीजी है तो एमएसडीएस, या रेफर कंटेनर है तो आपका कार्गो का पूरा डिटेल, कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है वो आप यहां से सेलेक्ट करके और इधर 10 MB के अंदर आप अपलोड कर देंगे। अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 20 डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे शिपिंग लाइन को आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगनी नहीं पड़ेगी। अब अगर आपका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली ये यूज नहीं होता। सम स्पेशल केस, अगर हमारे एलसी का कोई रिक्वायरमेंट है तब इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई रिमार्क यहाँ पे लिखना है बुकिंग से रिलेट, सिंपली यू कैन टाइप हियर। उसके बाद यहाँ पे आता है आई वुड लाइक द बुकिंग कन्फर्मेशन सेंड टू
आपका ईमेल आईडी आएगा। अगर आप मल्टीपल मेल में चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा मेल आईडी आप लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं सेव एज ड्राफ्ट। अगर अभी आपको बुकिंग सबमिट नहीं करनी है, ड्राफ्ट में सेव करके रखना है, तो आप सेव कर लीजिए। सेव एज टेम्पलेट, अगर आपको इस बुकिंग को बार बार यूज करना पड़ता है, कस्टमर सेम है, पीओएल पीओडी सेम है, आप एज ए टेम्पलेट सेव कर लीजिए, तो आपको सारी डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी डिटेल भरी है सारी एक बार में दिखाई देगी, डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सबमिट बुकिंग रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा बुकिंग सबमिट हो जाएगा। हमें इस प्रकार से एक बुकिंग का रेफरेंस नंबर मिल जाता है और उसका हमें नोटिफिकेशन मेल पे आ जाता है। अब आपको करना क्या है कि बुकिंग का जो रेफरेंस नंबर मिलता है वो बुकिंग का कंफर्मेशन नहीं होता, तो आप बुकिंग रेफरेंस नंबर को आप शिपिंग लाइन में जिससे भी बात कर रहे हैं, सेल्स टीम को और स्पेशली उनके ऑपरेशन टीम को जो बुकिंग हैंडल करते हैं, उनको आप कॉपी करिए, वो रेफरेंस भेजिए और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमने बुकिंग ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, आप जल्द से जल्द हमें बुकिंग कंफर्मेशन भेज दीजिए जिससे हम अपना आगे शिपमेंट कर पाए। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप आसानी से कास्को में बुकिंग सबमिट कर पाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।